कैसे हो आप सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, कुकी भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, ठीक है? सभी ब्यूटीफुल लेडीज को हैप्पी करवा चौथ और उनके हस्बैंड को भी। और मेरी सीटू बहुत ही प्यारी लग रही है, ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। लेकिन अभी मैंने कुछ भी फेस पे मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, थोड़ी सी पूजा वूजा कर ले उसके बाद सीटू फिर रेडी हो जाएगी। क्योंकि गाइस मैं थक जाऊंगी अभी से मेकअप वगैरह कर लूंगी। वैसे मैंने अपना चूड़ा पहन लिया है और मैं नहा के भी आई हूँ, बस मैंने ये बिंदी की हल्की सी लगा ली है बस। और फिर भी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है, थैंक यू। आप भी अच्छे लग रहे हो। सीडू ने भी नए कपड़े पहने, पता है? तो बनियान पहन ली नीचे, ये सीडू की चॉइस थी, ठीक है, शर्ट। आज तो बनियान पहन ली नीचे, वरना बनियान पहनते नहीं। चलो भाई, फिर अच्छी नहीं लगती ना, आप कहते हैं शर्ट ऐसे पहन लेते हो। और गाइस सीडू ने पहने ये वाले कपड़े और मैंने पहना ये वाला सूट, आपको दिख जाएगा, भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, है ना। तो गाइस मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और मैंने ना नारियल पानी पी लिया है। चलो आप आओ। मैंने नारियल पानी पी लिया है, ठीक है, और अभी हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। मतलब कि जो कलश में पहले से पानी वो धो के फिर भर के रखना होता है ना, तो मैं वो सारा सेटअप कर लेती हूँ। क्योंकि सीटू ना फूल वगैरह भी लेकर आए थे, तो मैं वो ना डेकोरेट थोड़ा सा कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो भाई सीटू कर रही है यहाँ पे पूजा की तैयारी। मुझे भी नहीं पता था उसने गुलाब की पत्तियां रख रहा था, वो गुलाब के फूल रख दिए उसने सटी। लेकिन वो वाले गुलाब नहीं है ना, मतलब ये दूसरे वाले गुलाब है, वो रोज आते अलग है, वो ये अलग है, वही तो होते हैं। नहीं नहीं देखो कभी देखा करो, हाँ वो रोज अलग होता है, वो सिर्फ एक पेड़ पे एक ही रोज आता है। मतलब वो डेली आता होगा लेकिन आता एक ही रोज है। ये पत्तियां होती है गुलाब की अलग से, गुलाब की पत्तियां अलग से उगती हैं, ये अलग से पेड़ होता है। इसमें देखो कैसा गुलाब है सीटू, वो ही होते हैं, वो बस थोड़े टाइम के बाद वो पहले खिला हुआ होता है फिर ऐसे हो जाता है। यार तुम क्या बात कर रहे हो। चलो गाइस इनको ज्यादा पता है, मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। और गाइस ये ना इसमें पैसे रखूंगी, 101 रुपए रख लो इसमें। हाँ अभी रख लो। और ये ना 7 श्रृंगार का सामान है ये, ठीक है। और ये मैंने 4 करवे ले लिए हैं, एक पार्वती माता का, एक मेरा, एक पार्वती माता का, एक मेरा। मतलब ऐसे करके कहानी सुनते हैं ना जब हम, तो वो करते हैं चेंज करते हैं करवे हमारे यहाँ पे। तो मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ कहीं पार्वती माता को, मतलब ऐसे समझ के फिर मैं उनसे ही चेंज कर लेती हूँ। और ये श्रृंगार का और ये जो प्लेट है ना, ये मैं मतलब किसी को दे दूंगी, जो मैरिड होगा ना, आंटी भाभी जो भी, मुझे जिसको भी मतलब मुझे देनी है उनको ये दे दूंगी। तो ऐसे होता है गाइस हमारे यहाँ। तो बस अब मैं सब पे कलावा बांधूंगी, टीका करूंगी और सात्विक बनाऊंगी, सातिया बना के सबको टीका करके। अभी तो नहीं, अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, बाद में जब सीटू आ जाएंगे ना, सीटू को किसी काम से जाना है, संडे है देख लो, फिर भी जाना है इनको। तो वही काम तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत है। तो अब फिर ना जब ये आएंगे ना, तब मैं अपना मेकअप वगैरह कर लूंगी और क्या यार रेडी होंगी तब करूंगी ना पूजा। तो और वैसे भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वैसे हो भी गया है, 11 से ऊपर टाइम हो रहा है अपना। भाई आ जाएंगे ना तब मैं उससे पहले रेडी हो जाऊंगी, रेडी होके फिर हम दोनों, क्योंकि कथा भी सुनने के लिए कोई हो जाएगा ना, तो मैं फिर करवे वगैरह चेंज करके अपना कर लूंगी, है ना सीटू। बस जब तक मैं थोड़ा सा तैयारी वगैरह कर लूंगी और मैं आपसे मिलूंगी पूरा प्रॉपर तैयारी करने के बाद, ओके गाइस। भिगो के रख देते, मतलब बादाम और किशमिश, और उसमें से 4 बादाम और किशमिश मैंने सुबह खा लिए थे। और मेरे को जब जब भी लगेगा ना खाने का तो मैं ये खाती रहूँगी बीच बीच में। और गाइस ये ना मेरा नहीं है, ये कुकू का है। कुकू के लिए सैंडविच बनाऊंगी अभी, ये ब्रेड सेक के लेके आई हूँ। और लड्डू भी कुकू का है ये भी, ये चाय मेरी है। और ये खा सकते हैं ना यार फास्ट में, सीटू ने बोला खा लो क्योंकि ये इलायची और दूध से ही बनी है, भैया ने खुद बताया, हमारे यहाँ हलवाई हैं उन्होंने। तो मैं ये खाऊंगी, दोनों चीज़ें लूंगी, ठीक है। और ये अभी नहीं है, बाद में कुकू आप ब्रेकफास्ट कर लो बेटा, ओके। गाइस आ चुके हैं अभी बाहर से और देखना अपने कितनी चोट लगा के लेके आए हैं, देखो यहाँ पूरे में है ना पीछे, यहाँ पे देखो कितना रेड रेड हो रखा है, कितनी चोट लगी है। और देखो ये देखो कितनी चोट लगी है,
अब शीशी करते रहो, मजा है करो यार त्योहार के दिन, किसी दिन ऐसे बाहर। अब नहीं जाऊंगा, अब क्या, अब तो चोट लग गई ना, अब लेट जाओ, लेट जाओ, फिर मैं थोड़ी देर बाद ही पूजा करूंगी। है किसका आ गया? और गाइज मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है, रेडी तो मैं हो रही थी, इनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे मुझे चोट लग गई है, तो मुझे क्या पता था अब इतनी ज्यादा चोट लग गई है, मुझे लगा थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन स्कूटी से ही गिर गए थे तो फिर तो ज्यादा चोट लगेगी ना। फिर बोल रहे कि उस आदमी ने फिर जिस किसकी वजह से लगा था, जोमेटो पे स्कूटी वाला, और तो एक बात बताओ, वो पानी भी नहीं पिलाता, कह रहे उसने मुझे पानी वानी पिलाया बिठाया, अब वो पानी भी नहीं पिलाता। चलो गाइस मैं थोड़ी देर बाद ही पूजा करूंगी, क्योंकि मैं अब वो कथा तो सुननी है मुझे, लेकिन मैं खुद ही पढ़ लूंगी, लेकिन इनका बैठना थोड़ा सा ये है कि चलो कोई सुन लेगा तो अच्छा रहता है, बाकी मैं करवे वगैरह तो खुद कर लूंगी चेंज, ठीक है। कुकू आवाज कम कर लो बेटा, हाँ बेड पे बैठ जाना आप, है ना, क्योंकि मैं पूजा कर लूंगी, क्योंकि गाइस 3 बजने वाले हैं, ठीक है, टाइम तो हो ही गया वैसे। और मैं ना अभी साड़ी पहनूंगी थोड़ी देर बाद, अभी तो मैंने बस ये हल्का सा ये सेट पहन लिया है, क्योंकि गाइज अब रेडी होना भी बहुत ज़रूरी है, सुहाग की चीज़ें हैं जो कि हमें पहननी चाहिए, तो मैं ऐसे कुछ इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। और मेरा सूट देख लो आप, जो मैं लेके आई थी, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, कोई नहीं सूट दिखा देंगे, ये देखो नीचे मैं ये वाली बिछुए वगैरह पहने हैं, तो चलो चलते हैं पियो। कोई नहीं, टेस्ट अजीब लगता है तो इसको सिर्फ पियो, फिनिश करो, अरे पियो तो सही यार। सिर में तो नहीं लगी है कि चोट? ठीक है पियो, मैं पूजा कर लेती हूँ, है ना, टूट जाने दो, नया आ जाएगा, सब पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा, मतलब कुछ और ज़्यादा बुरा होने वाला था जो कि मतलब टल गया, अच्छा होगा सब, है ना, अच्छा सोचो, कुछ नहीं है। रो रहे हो क्या? रुलाऊं अभी? रोना नहीं है ऐसी कई बातों पे, दर्द हो रहा है, स्ट्रांग हो ना तुम तो, चलो पियो, शांत रहो। पी लो आराम से, मैं पूजा कर लूँ। तो अभी सेठू पूजा कर रही है ना, और खानी पड़ेंगी, मैं भी सिटू के पास ही इस वाले बेड पे आके बैठ गया हूँ। गाइस पता ही नहीं बस लग गई चोट, वरना सिटू को वीडियो भी बनानी थी, हमें मेरे को वीडियो बनानी थी, मैंने कहा था हम जल्दी चले जाता हूँ और जल्दी आ जाऊँगा, हमने क्या बताता गाइस ऐसे चोट लग जाएगी मेरे अचानक ही। तो अभी आप लोग देख रहे हो सिटू तैयारी कर ली है, ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, बस अब तो कहानी पड़ेगी, बस अब कहानी पड़ेंगे। मेरी प्लेट तो वैसे देख लो, सिटू की प्लेट, सिटू अपनी पूजा करने जा रही है, मैं इनके पास ही बैठा हुआ हूँ, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, है ना। गाइज मैंने सिटू को इसलिए गुस्से में बोला था ताकि वो और ज़्यादा परेशान ना हो और इमोशनल ना हो ज़्यादा, क्योंकि फिर मैं होती, फिर उसके बाद कुकू भी है या फिर कौन संभालेगा, अब किसी न किसी एक को तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा ना यार, जब अलग रहते हैं ना फैमिली में बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें मतलब समझना पड़ता है, खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ता है, मतलब फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम करनी पड़ती है फेस, लेकिन वो मैनेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे ही करना पड़ता है, मैं हूँ तो फिर स्वीटी को करना पड़ता है, अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर मुझे स्ट्रांग बनना पड़ता है, ना तो फिर घर का माहौल ख़राब हो जाता है, और फिर फेस्टिवल भी था तो इसलिए। तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करना, बहुत सोच समझ के मैंने उनको ये सब बोला था, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं भाई, पूजा हो चुकी है हमारी, कथा सुनने के बाद हमारे यहाँ एक लोटा जल सूर्यदेव को दिया जाता है या फिर तुलसी के पौधे में, तुलसी माता के पौधे में, लेकिन आज संडे था तो इसलिए यहाँ पर हमने जल दे दिया, फिर हम चलेंगे नीचे। तो गाइस मैंने जल वगैरह भी दे दिया है, ठीक है, जो जलेगी जब तक जलेगी, रात को फिर मैं दूसरा वाला दिया जलाऊंगी। मैंने ना अपने लिए लस्सी बना ली है और मैं पीऊँगी अपने शिपर में ताकि मेरी लिपस्टिक खराब ना हो जाए। कितना धुंधला दिख रहा है इसमें, और बाकी वैसे कितने मतलब नॉर्मल में कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा वैसे तो रेस्ट कर रहे हैं अभी,
मैं सोच रही हूँ जल्दी ठीक हो जाए, बस सीटू ठीक हो जाए फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीटू ठीक हो जाएगा उसके बाद ही देखूंगी वीडियो वगैरह को। सीटू जल्दी ठीक हो जाओ यार। ज्यादा हिलाओ भी मत, थोड़ा रेस्ट करो फिर उसके बाद इसको मूवमेंट करना ठीक है। लग रहा है थोड़ा आराम? बिल्कुल आराम लग रहा है, और दर्द बढ़ गया यहाँ पे है ना, और पैर तो मन नहीं कर रहा कि इसको हिलाऊं। फिर कैसे पहनोगे जींस? पहन रहा हूँ। हे माता रानी मेरे पति को जल्दी ठीक कर दो एकदम से। हाँ ठीक है कुकु, मेरी रेडी हो गई है सोना, रेडी और मेरा खींच दोगे एक? आराम आराम से खड़े होना सीटों, अगर खड़े होना है तो। गाइस पता नहीं कैसे खाना नहीं खाया, पता नहीं कैसे ना ऐसा लग रहा है सूट भी ना लूज लूज सा, और बाकी जब ये सिल के आया था ना तब तो एकदम ऐसे आ रहा था मतलब फिटिंग में एकदम, अब क्या हो रहा है कि अब लूज लूज सा ऐसे लग रहा है मुझे, या तो ऐसे लग रहा होगा कि मतलब वैसे तो मैंने सुबह से खा लिया है बट हाँ खाना ऐसे प्रॉपर नहीं खाया तो होता है फ़र्क, उससे हो जाता है। तो बाकी मैंने ये सिंपल सा हेयर स्टाइल करा यार, मेरे बालों में ना हेयर स्टाइल बनता नहीं है, स्लिप हो जाते हैं, बहुत सिल्की हेयर है मेरे। बेल्ट मत लगाओ, जितना कंफर्टेबल हो बस उतना ही करो, ज़्यादा मत करो। और 5 बजने वाले हैं गाइस, और सीटू पनीर ले आए थे, मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी। फेवरेट है, मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी और तैयारी मैं अभी करूँगी, पहले मैं एक दो सीटू के साथ फ़ोटो क्लिक कर लूँ और फिर ना फिर एप्रन पहन के किचन में जाके तैयारी कर दूँगी सारी, सब्जी बना दूँगी आटा लगा के रख दूँगी है ना, फिर होंगी रेडी, क्योंकि यार सीटू भी फिर अब चोट लगी अब इतना कहाँ कर पाएंगे, तो मैं ही करूँगी उसके बाद रेडी होंगी। काट रहे हो आप या फिर आऊँ करने के लिए? पनीर काट रहे हो? आपसे बाद में, क्योंकि अब सीटू की तबीयत खराब हो रही है, वो इतना वो नहीं कर सकते, कुकू चली थी बाहर उसे कौन देखेगा, ये जा रहे हैं बाहर बैठने ठीक है। सीटू फुल रेडी हो चुकी है गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा सेकंड लुक कैसा लग रहा है आपको प्लीज जरूर बताना। और गाइस मेरी छोटी मैंने पहले ना वो कर रही थी जूड़ा बना रही थी, लेकिन जूड़ा ना बन ही नहीं रहा था, 3-4 बार हो गए थे, तो सीटू ने बोला क्यों परेशान हो रही है, छोटी बहुत अच्छी लग रही है। और क्या यार, तो मैंने इसलिए ऐसे कर दिया, मैं टीका नहीं पहने वाली थी लेकिन सीटू ने बोला टीका पहन, अच्छा लग रहा है सीटू बिंदी वाली ठीक लग रही है, ये वाला लगाओ पूरा लुक चेंज किया तो इसमें क्या सोचना। हाँ ये बात भी है, नहीं अब तो फेस पे भी थोड़ा सा वो करूंगी पता है, सुबह से वो करी, और गाइस मैंने ना खाने की भी सारी तैयारी कर दी है, मुझे लग रहा है वो ज्यादा अच्छी थी या फिर ये ज्यादा अच्छी है। नहीं ये अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है सही है। हाँ। कैसे आप लोग बताना कमेंट में कैसी लग रही है, मैं दिख भी रही हूं सही? हां दिख रहे हो बाबू, मैं तो यार लेट के बना रहा हूं। अच्छी लग रही है वैसे है ना, सुंदर है, लिपस्टिक भी सही है, अब क्या डार्क करूं। ठीक है ना, और गाइस मैं आलता लगा रही हूँ, मैंने आलता नहीं लगाया था तो मैं आलता लगा रही हूँ ठीक है, अच्छी भी आ रही हूँ ना, अच्छी बिल्कुल सुंदर दिखनी चाहिए मैं। हाँ सुंदर दिखना मेरी जान, आ रहा हूँ आपसे आते लगाने के बाद, फिर हम देखेंगे पूजा का टाइम और यहाँ पे तो चलेंगे छत पे भी देखेंगे गाइस, चांद निकलने का टाइम कब है, हर बार तो हम पहले ही देख लेते थे। हाँ अब की बार हमने देखा नहीं क्योंकि एक तो बिजी इतना है, और गाइस ऊपर से सीटू हाँ वरना पता है इस सीटू को तो बहुत कम काम करने देना, मैं वैसे भी मेरे परेशान हो रहा है जब से मेरी बस सीटू काम कर रही है यार, पता मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं बैठ कर लेट गया हूँ। नहीं यार सीटू पता है आप थक, अभी तो थक जाता है यार, वरना हम दोनों मिलके इतना काम कर लेते हैं। हाँ अब सीटू में देखना सारे खाने की तैयारी कर ही रही हूँ, मैं करती नहीं हूँ।
और क्या, मेरे को थकावट बहुत जल्दी होती है। अब तो ये कि अब तो चलो पहनना है, थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाएंगे उसके चाव में, चलो कर लेंगे। हाँ यार गाइस बस यही है, देखो सीट लग गया आप कल तक ठीक हो जाओगे। हाँ मैं कल तक ठीक हो जाऊँगा। अभी मेहंदी नहीं लगाई तो क्या होगा, आलता लगा लो। आलता लगा लिया हमने। गाइस तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा, ठीक है, जोत मैंने जला ली, पहले मैं करवा चेंज करूंगी, उसके बाद फिर हम करवा। पार्वती माता से मैंने करवा चेंज किया जो कि 7 बार करते हैं, मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ फास्ट। आप लोगों ने मेरी पिछले टाइम की भी वीडियो देखी होंगी, प्रॉपर तो मैं नहीं दिखाती हूँ वरना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा व्लॉग, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट दिखाती हूँ। और गाइस पसंद आ रहा है व्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और कुक्कू मेरी आज बहुत हेल्प कर रही है मुझे, मतलब मैं परेशान तो थी लेकिन कुक्कू मेरी बहुत हेल्प करी। और इसकी बातें सुना करो यार, बहुत क्यूट क्यूट बातें बोलती है ये, मुझे तो बहुत हंसी आती है जब मैं एडिटिंग करती हूँ। और गाइस इसके बाद है ना फिर अहोई अष्टमी का ब्लॉग भी आएगा और बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग का भी आएगा, वो ज़रूर देखना। तो पहले अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके शेयर भी कर दो, ओके। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है, रात का टाइम है तो आरती भी करेंगे, आरती के बाद फिर हम तीनों फिर चलेंगे छत पे। अभी तो चंदा मामा निकले नहीं है, मतलब निकल गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिटिंग टाइम चेक किया है ना तो निकल गए हैं और अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब इसका मतलब हमें और वेट करना पड़ेगा। मैं चुन्नी उन्नी सेट करके आई थी इतनी मुश्किल से, अब देखो यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा जितनी देर तक। वैसे दिख जाते हैं और आज दिखने में नहीं आ रहे। वाह गाइस आपको चंदा मामा दिख रहे हैं, देखो मैं दिखाती हूँ अभी, ये रेड रेड से दिख रहे हैं आपको। मैं भी मतलब कम करती हूँ, मैंने जूम कर रखा है ना। ये रे चंदा मामा, हाँ ये रे, बहुत हल्के हल्के से ये रे गोल गोल। मम्मा आ गया ना, आप रूम में दिख रही। तो हमारा फास्ट खुल चुका है, दोनों ने रखा था फास्ट एक जैसा फ्रूट्स वगैरह खाकर, ठीक है। तो सिटू से खड़ा नहीं हो जा रहा था तो फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत की और पूजा हमारी संपूर्ण हुई, हम आ गए अब नीचे। गाइस तो हम आ चुके हैं, जैसे तैसे बनाया, कुक्कू ने ब्लॉग बनाया है क्योंकि सिटू से तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। और पता है मेरे बाल देखो, मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, मेरे 2 फोटो क्लिक किए और दोनों के दोनों ही ऐसे आ रहे हैं एकदम बेकार। एक में तो मेरी आंखें ही बंद है और एक इतना ब्लर आ रहा है बहुत बेकार सा, और मैं लग इतनी अच्छी रही हूँ, देखो लग रही हूँ ना बढ़िया मस्त। मैं तो कुक्कू और कुक्कू को भी आज ये लग रही है, मम्मा मैं देख लूँ टीवी। उनका आज तो जब टीवी देखने की बहुत लग रही है, मतलब एक आधा दिन वो अगर कुछ काम करा लो तो यार गुस्सा तो आता ही, देखो मैं भी डेली रेडी नहीं होती तो इसलिए मुझे कुक्कू पे तो आता ही है कुकी नहीं। गाइस कैसा लगा आपको व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फुल देखा या नहीं, फुल देखो तभी मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, देखो जैसे तैसे हमने मैं आपको व्लॉग बना के दे रही हूँ और ना आज व्लॉग नहीं बन पाता बिल्कुल भी, बस मैंने साड़ी वाड़ी पहन के सब आपको व्लॉग वगैरह बना के दे दिया है। प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, चोटी बनाई है चोटी में कैसी लग रही हूँ, ठीक है। सीटों ने बोला अच्छी लग रही चोटी मेरी। तो अब मैं जा रही हूँ पूरी बनाने कपड़े चेंज करके, क्योंकि कपड़े पहन के मेरे से नहीं बनाई जाएगी। और गाइस देखो चीज़ दिखाऊँ, मेरी ना साड़ी खुल गई थी, ये देखो ये निकल गया, ये वाला पल्लू निकल गया था, वो तो बस मैंने पूजा करी ली।
और ये फोटो में भी दिख रही थी, फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि मैंने कहा यार छोटी के पैर में भी दर्द हो रहा और फिर अभी ये खराब ही आ रही है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम नीचे आ गए। बताओ यार साड़ी पता है क्यों खुली सीटू, एक तो ढिली ढिली बांध दिया मैंने और फिर ऊपर से मैंने दो चार वीडियो बनाई ना उसमें ये हो गई थी खराब, मैंने ये नीचे ध्यान नहीं दिया। तो चलो गाइस मैंने कुकू के लिए खाना बना दिया है, पूरी सब्जी रसगुल्ले, लेकिन रायता नहीं बना रही क्योंकि सीटू की तबीयत खराब है और कुकू को मैं देती नहीं हूँ रात को दही है या रायता कुछ भी। मैं रसगुल्ले खा लूँ? खा लो आप कुछ भी खा लो बेटी आपका, ये सीटू भी लेट है मैं बना के ला रही हूँ फिर खाएंगे ठीक है बेबी, खा लो। टीवी चलाओ, टीवी फोन। इसको बहुत सारे पैसे मिले हैं दिखाना, ये वाले पैसे बड़े वाले पैसे सीटू ने अलग दिए थे है ना, सीटू वाले पैसे कहाँ हैं? सीटू वाले पैसे पर्स में, पर्स में भर रहा है इसमें पैसे से पता है। चलो आप खा लो, पिगी बैंक दूंगी अभी है तो गाइस चलो हम भी खाना खा लेते हैं और इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब। सारे कपड़े गंदे कर लिए इसने और देखो स्ट्रॉ से पानी पी रही है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।